देवी लक्ष्मी को धन सुख और संपन्नता की देवी माना गया है। देवी लक्ष्मी का पूजन करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन विशेष तौर से देवी लक्ष्मी का पूजन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है वो घर हमेशा धन से भरा रहता है। बता दें आपको कि जब भी देवी लक्ष्मी किसी घर में वास करती हैं तो इससे जुड़े संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। यदि इस रिपोर्ट में बताई गई चीजें आपके साथ होने लग जाए तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी ने आपके घर में वास कर लिया और अब धन की कमी कभी भी जीवन में नहीं होगी। सपने में देवी लक्ष्मी का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों को सपने में देवी लक्ष्मी दिखती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी वास कर लेती हैं। इसके अलावा सपने में कमल का फूल, शंख का दिखना या फिर कन्या का नृत्य करते दिखाई देना भी शुभ संकेत होता है। यदि सपने में सर्प अपने बिल के साथ दिखे तो ये बता दें आपको कि आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत होता है। तो ये धन प्राप्ति का संकेत होता है तो ये आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसी तरह स्वप्न में पेड़ पर चढ़ते हुए देखें या कोई आपको पैसे देते हुए दिखे तो समझ ले कि आपके जीवन में देवी लक्ष्मी का आगमन हो गया है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। यदि आपके घर की छत पर उल्लू दिखे या आपके समीप आकर बैठ जाए तो समझिए देवी लक्ष्मी आपसे प्रभावित है और उनकी कृपा आप पर बन गई है। मान्यता है कि जहाँ जहाँ उल्लू होता है वहाँ देवी लक्ष्मी जरूर आती है। घर के पास एकदम से हरियाली होना और आसपास हरी भरी चीजें अधिक दिखाई देना भी शुभ होता है। ऐसा होने पर समझ लें कि आपके ऊपर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है और देवी लक्ष्मी आपके निवास स्थान पर वास करने वाली है। सुबह के समय गन्ना दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा रहने वाली है और घर में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि और धन आने वाला है। जो लोग सच्चे मन से देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं केवल उन्हीं के घर में देवी लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए आप देवी लक्ष्मी की पूजा रोज किया करें। वही देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु इन उपायों को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। तो चलिए बताते हैं ये उपाय क्या क्या है। क्या है देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। चलिए बताते हैं आपको देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। बता दें आपको कि देवी लक्ष्मी को कमल के फूल बेहद ही प्रिय हैं। जब भी देवी लक्ष्मी की पूजा करें तो उन्हें कमल के फूल जरूर अर्पित करें। वहीं पूजा होने के बाद एक फूल उठाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी में देवी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। बता दें आपको कि देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं लोगों के घरों में वास करती हैं जहां पर सफाई होती है। इसलिए अपने घर को हमेशा साफ रखें और कभी भी किचन को गंदा ना रहने दें। जब भी आप नया झाड़ू खरीदें तो उसे शुक्रवार के दिन ही लें। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट ट्रेंड स्पेशल रिपोर्ट।